गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर लेसन इज टक्स पेन एंड इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट लाइन स्टूल. ओके, टुडे वी रिवाइज ऑन योर बुक लाइन स्टूल. लाइन स्टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स एंड स्ट्रेट पैटर्न्स. इट वर्क्स क्वाइट सिमिलर टू द पेन टूल. द लाइन स्टूल हैज the same brush shapes in the sub toolbox as in the paint tool. The only difference between paint tool and line tool is the order in which the drawing is displayed. Means the text paint में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, brush shapes, flower tools, ये सब की थी हमने. तो अब हम पढ़ेंगे lines tool. Lines tools किसे कहते हैं? जो भी हम जो lines बनाते हैं ये होता है एक तरह से लाइन्स. अगर इसे किसे कहे तो लाइन्स तो यही कहलाती है, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, ये सब लाइन्स कहलाती है. लेकिन इसमें कुछ बोला गया है टक्स पेन में, लाइन्स टूल यूज टू ड्रॉ. ये क्या करता है? ड्रॉ करता है स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट पैटर्न. जो भी आप पैटर्न बनाते हो, जैसे देखो ये यूज़ कर रखा है इन्होंने, इन्होंने यूज़ किया है लाइन्स टूल्स को. तो लाइन्स टूल्स को कैसे यूज़ किया है ये दिखाए आपको. ये है आपका पेन टूल, लाइन टूल्स. पेन टूल्स के नीचे ही आपका लाइन टूल. में आप क्लिक करोगे, आपको जो भी कलर आपको लेना है इसमें, रेड, ब्लू, येलो, जो भी आपने कलर लेना है उससे आप लोग लाइन बनाओगे. ओके, स्ट्रेट लाइन बनेगी इसमें. इसमें तो ऐसा दिखा रहा है इन्होंने, ये दूसरा पिक्चर भी है, पर लेकिन हमें इसमें स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है. ओके, लाइन टूल किसकी तरह दिखता है? सेम काम करता है पेन टूल की तरह. लाइन टूल किसकी तरह काम करता है? पेन टूल की तरह. जैसे हम पेन टूल में कोई भी कलर लेते हैं, वो कोई भी कलर लेके हम इसमें कलर कर सकते हैं या स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, वैसे ही लाइन टूल में भी हम सेम ऐसी कर सकते हैं. बस आपको पेन टूल के नीचे ही आपको लाइन टूल मिलेगी. नेक्स्ट, व्हाइल यूजिंग पेन टूल यू कैन सी द इमेज विच यू आर ड्राइंग एट दैट वेरी मूवमेंट. ऑन द अदर हैंड, व्हाइल यूजिंग लाइन्स टूल यू विल सी ओनली अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट. ओके, देखो जब हम लाइन्स टूल्स के यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है. तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, इसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ तक होता है इसका एंडिंग पॉइंट. आपकी ये स्टार्टिंग लाइन से और ये लास्ट लाइन, एंड लाइन तक आपको ये लाइन दिखती है और ये आपको सीधी ही दिखाई देगी. ओके, देन द पैटर्न अपीयर्स ओनली आफ्टर यू कंप्लीट द लाइन एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन. ये सब होगा आपके माउस से. जो भी आप कलर लेते हो, हमने यूज़ किया है ना, माउस से ही हम लोग पेंट कलर, मैजिक टूल्स. मैजिक टूल में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इसमें हम लोगों ने मैजिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी ना. ब्रश लिए थे हमने मैजिक टूल में, सॉरी फ्लावर टूल्स लिए थे हमने मैजिक टूल में. तो वैसे ही हम लोग इस माउस की हेल्प से ही हम इसमें टूल्स को ले सकते हैं. नाउ लेट्स अस ड्रॉ अ पैटर्न यूजिंग द लाइन्स टूल. अब हमें पैटर्न ड्रॉ करना है लाइन्स टूल की हेल्प से. बच्चों आज इसको बुक से रीडिंग होगी. नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी, आपको मैं इसको कंप्यूटर में समझाऊंगी कि लाइन्स टूल कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं आपका. ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द लाइन टूल. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये है ना लाइन टूल आपका, ये पेन टूल के नीचे लाइन टूल. पहले सेलेक्ट द लाइन टूल, लाइन टूल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड चूज एनी पैटर्न. उसके बाद आपको कोई भी पैटर्न चूज करना है. जैसे लोगों ने ये वाला पैटर्न चूज किया है फ्रॉम द सब टूल बॉक्स, लेकिन सब टूल बॉक्स से. सब टूल बॉक्स का है आपका हेरा. पहले लाइन टूल में क्लिक करना है, उसके बाद सब टूल बॉक्स में से आपको कोई भी पैटर्न चूज करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर. इन्होंने फिगर में जैसे लाइन शो कर रखी है,
स्ट्रेट वैसी ही आपको बनानी है। आप दूसरा भी डिजाइन पैटर्न कोई भी ले सकते हो, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में इन्होंने ऐसा बताया है। नेक्स्ट, वेर यू रिलीज द लेफ्ट माउस, जब आप माउस को हटा दोगे लेफ्ट फिंगर से, यू विल गेट अ स्ट्रेट पैटर्न, आपको क्या दिखाई देगा, एक सीधी लाइन आपको दिखाई देगी। स्ट्रेट पैटर्न इन प्लेस ऑफ दैट लाइन, इफ यू ड्रॉ एन इनसाइक्लिंड लाइन यू विल फाइंड एन इनसाइक्लिंड पैटर्न, जैसा आप उसमें ड्रॉ करोगे वैसे ही आपको पिक्चर आपकी दिखाई देगी। ओके, देखो नोट लिखा है, अ लाइन टूल हैज द सेम ब्रश शेप्स, लाइन टूल किसके तरह काम करता है, सेम ब्रश शेप इन द सब टूल बॉक्स एज इन द पेंट टूल, किसके अंदर, ये आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपको, सब टूल बॉक्स, ये आपके टूल्स, ये होते हैं आपके कलर्स, ये होता है आपका पेंगुइन, जो भी आप जैसे बटन चूज कर रहे हो, जैसे आप समझ लो ये वाला, अभी इन्होंने ये वाला क्लिक किया तो पूरा इंस्ट्रक्शन देगा, क्लिक टू स्टार्ट ड्राइंग अ लाइन लेट गो टू कंप्लीट इट, ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है। पेंगुइन क्या करता है, आपको गाइड करता है टक्स पेन में कि आपको कैसे कैसे यूज करना है, हर टूल्स को, सब टूल्स को, बटन कलर्स को कैसे यूज करना है, ये कौन बताता है आपको, पेंगुइन। नेक्स्ट है आपका सेविंग अ फाइल, फाइल को सेव कैसे करना है टक्स पेन में, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में कोई भी ड्राइंग बनाते हो तो आप उसको सेव करते हो ना, तो वैसे ही इसमें भी टक्स पेन में भी आपको फाइल सेव करने, कैसे, टक्स पेन प्रोवाइड एन इजी मेथड टू सेव वर्क यूजिंग द सेव टूल, किसके अंदर मिलेगा आपको, ये सेव टूल के अंदर ही आपको सेव करनी होती है इसमें, ठीक है। देर इज नो नीड टू मैंशन द फाइल नेम, लेकिन इसमें फाइल नेम मैंशन करने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग एम एस वर्ड में क्या होता है, एम एस पेंट में सेव ऑप्शन आता है, सेव ऑप्शन के नीचे जब हम सेव में क्लिक करते हैं तो फिर हम लोग उसे सेव कहाँ करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में और डॉक्यूमेंट में और किसी में भी चीज़ में भी हम लोग इसमें सेव करते हैं, फिर उसके बाद नीचे आता है फाइल नेम, फाइल जैसे हम लोग सेव कर देते हैं तो वैसे ही उसके नीचे आता है फाइल नेम, मतलब फाइल नेम का मतलब उसमें नेम देना है आपको, जो भी आप फाइल, जो भी आप बनाओगे ड्राइंग बनाओगे तो उसको नेम देना है, लेकिन इसमें, लेकिन टेक्स्ट पेंट में आपको देयर इज नो नीड टू मेंशन द फाइल नेम, आपको फाइल नेम देने की जरूरत नहीं, मतलब आपको बिना नेम कर भी आप टेक्स्ट पेंट को सेव कर सकते हो। ओके, देन टेक्स्ट पेंट सेव योर फाइल एज अ थंबनेल, किसमें सेव होता है टेक्स्ट पेंट की फाइल, थंबनेल में, रेदर देन गिविंग इट अ फाइल नेम, सॉरी, द नॉटी पेंगुइन कन्फर्म दैट यू हैव सक्सेसफुली सेव योर फाइल, उसके बाद जब आप फाइल सेव कर दोगे तो आपका जो ये है पेंगुइन, तो जो ये आपको बताएगा योर इमेज हैज़ बिन सेव, बल्कि लिखा भी है जब आप सेव कर लोगे तो लिखा लास्ट में दिखाई देगा योर इमेज हैज़ बिन सेव, ठीक है। इसका काम देने का ना इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भी हम काम करते हैं, जो अगर हम गलत करेंगे तो ये बताए, ये हमको इंस्ट्रक्ट करेगा कि हमने ये रॉन्ग बटन या टूल्स जो है हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद है ओपनिंग अ सेव फाइल, अब आपने फाइल सेव कर दी, जो भी आपने ड्राइंग बनाई है, समझ लो जैसे आपने ये वाली ड्राइंग बनाई है, ये जो भी आपने ड्राइंग इसमें बनाई है, इमेजेस जो भी बनाई है आपने, उसको ओपन कैसे करना है, ठीक है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो, टू ओपन एन ऑलरेडी सेव फाइल, ऑलरेडी सेव फाइल मतलब जो आपने पहले से सेव की है, अब ऐसा तो नहीं है कि जो पहले सेव नहीं किया उसको ओपन करो, ठीक है। तो पहले जो टू ओपन एन ऑलरेडी सेव फाइल, जिसको आपने सेव की है उसको ओपन करने के लिए क्लिक कॉन ओपन टूल, इसके अंदर जाएंगे, ओपन टूल के अंदर हम जाएंगे, देन यू विल सी ऑल द इमेजेस, तब आपको काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई देगी, जो भी जिसने जो भी बनाई होगी जिसने, ठीक है। सी आपका ओपन फाइल भी यहीं आती है, इसी में आएगा, ये लिखा है ओपन यहाँ पर, इसमें आप क्लिक करोगे ना, जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल ओपन हो जाएगी, और जो भी आपने इमेजेस जिसने भी बनाई है,
भाई वो सब ओपन हो जाएगी। अब जो आपने मतलब जिसको भी आपने चूज कर रहा है, जैसे समझ लो आपने ये वाली इमेजेस बनाई है, तो इसमें आप क्या करोगे, यू विल सी ऑल द इमेजेस दैट यू बीन सेव्ड इन टक्स पेन टिल डेट, क्लिक ऑन द इमेज दैट यू वांट टू ओपन। आपको इसको ओपन करना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस की हेल्प से क्लिक करना होगा। नाउ क्लिक एन ओपन बटन, उसके बाद क्या आता है ओपन बटन, उसके बाद आपकी फाइल जो आपने सेव की थी वो जो आपने इमेजेस सेव किया था वो आपका ओपन हो जाएगा। इसलिए इसमें देखो ये काफ़ी सारी फाइलें बनाई है, किसने बनाई है लिखा है ना, देर इज़ नो नीड टू मैंशन द फाइल नेम, इसमें फाइल नेम मैंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके ये था आपका सेविंग अ फाइल, ओपनिंग अ सेव्ड फाइल। सी इसमें नोट्स भी है, यू कैन व्यू ऑल द सेव्ड फाइल, आप सब सेव फाइल को देखने के लिए इन द फॉर्म ऑफ किसमें जा सकते हो, स्लाइड शो बाय क्लिकिंग ऑन स्लाइड बटन। ओके नेक्स्ट है क्लिक ऑन प्ले बटन टू व्यू द स्लाइड शो, आप स्लाइड शो भी इसमें देख सकते हो। द स्लाइड व्यू शोज एवरी इमेज इन द फॉर्म ऑफ अ बिग स्लाइड, एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल फाइंड द बैक बटन, आपको इसमें एक बैक बटन दिखाई देगा। जब आप यहाँ इसको आपको वापस जाना है तो यहाँ पर एक बैक का बटन आपको दिखाई देगा, इससे आप बाहर वापस जा सकते हो। ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्यूटर में इसमें बताऊंगी कि इसको हम लाइन टूल सेव और ओपन फाइल को कैसे करते हैं। ओके क्लास, सबमिट योर वर्कशीट ऑन ट्यूजडे।